और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड चंपावत जिमनी इलेक्शन में आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। और यहाँ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजिंदर पाल बग्गा को हाईकोर्ट से राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। अगली समाअत तक के लिए पुलिस की कार्रवाई पर रोक। बग्गा मामले में हाईकोर्ट में 10 मई को अगली समाअत होगी। देर रात बग्गा को हाईकोर्ट से राहत मिली, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं तेजिंदर पाल बग्गा से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट से बड़ी राहत तेजिंदर पाल बग्गा को मिली, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। अगली समाअत तक पुलिस की कार्रवाई पर रोक रहेगी। बग्गा मामले में हाईकोर्ट ने 10 मई को अगली समाअत, देर रात को बग्गा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। तो तेजिंदर पाल बग्गा को बड़ी राहत हाईकोर्ट से। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ये राहत दी गई है। अगली समाअत तक के लिए पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। बग्गा मामले में हाईकोर्ट में 10 मई को अगली समाअत होगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने देर रात बग्गा को ये राहत दी। सियासत मुसलसल इस मामले में गर्माती जा रही थी। तमाम रियासतों की पुलिस एक दूसरे की आमने सामने थी। इस बीच तेजिंदर पाल बग्गा इस बात का भी इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे थे कि बदसलूकी उनके साथ की गई पंजाब पुलिस के जरिए। और अब ये मामला कोर्ट पहुंचने के बाद बड़ी राहत यहां पर बग्गा को मिलती हुई नजर आई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से उनको ये राहत मिली है। अगली समाअत तक पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई हाईकोर्ट के जरिए। और बग्गा को अब आपको बता दें कि इस मामले में 10 मई को अगली समाअत होगी। देर रात को बग्गा को ये राहत मिली, जिसके बाद से ही जश्न का माहौल उनके घर पर, उनकी रिहायशगाह पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले जब बग्गा घर लौटे थे तब भी इसी तरह का माहौल बग्गा के घर में नजर आ रहा था। और जब वो मीडिया से खिताब करते हुए नजर आए तो वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे। और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट से भी बग्गा को राहत।